नमस्कार दोस्तों, न्यू ईयर कार में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम वैगनर एसी के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए जो आपके सामने है, ये है वैगनर एसी का सारे फंक्शंस। और अब बोल सकते हैं कि वैगनर एसी का डिटेल्स जो जो भी है एसी के रिलेटेड, सारे इसमें आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बता देते हैं कौन क्या है। तो दोस्तों, ये जो है ये है कूलिंग का, कूलिंग के लिए है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, फिर व्हाइट व्हाइट, फिर रेड दिख रहा है। मतलब यहाँ से अगर इस यहीं पे रखेंगे उसको, तो ये आपको कूलेस्ट है, मतलब सबसे कूलिंग वाला ये है। फिर इधर जितने भी आप ऊपर की तरफ आएंगे, फिर इधर आएंगे, तो ये सबसे ज्यादा गर्म वाला हिस्सा है, हीटर है ये। तो इस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो आपको ठंडी हवा मिलेगी, यहाँ पर रखेंगे तो आपको गर्म हवा मिलेगी। ये हो गया ये वाला, ये हो गया आपका फैन का स्पीड। ओके, ये हो गया आपका फैन का स्पीड। ये बंद हो गया फैन, फिर एक स्पीड पे चला, फिर दो पे, तीन पे, चार पे, इस हिसाब से आप अपना फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर यह आ गया जो फैन से जो हवा निकलेगी उसकी डायरेक्शन। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये देखिए सामने की तरफ वो एरो मार्क है, मतलब इसमें से वो हवा सामने की तरफ आएगी। ये देखिए, एक सामने की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ये सामने की तरफ है मतलब सामने से यहाँ से भी हवा आएगी, और ये जो नीचे पांव की तरफ है मतलब यहाँ नीचे भी आपका वो क्या बोलते हैं उसका उसका ब्लोअर है, तो वो नीचे भी हवा आती है। ये उस दोनों डायरेक्शन में आएगी, यहीं पर अगर आप इसको रखेंगे तो दोनों डायरेक्शन, सामने से भी आएगी, नीचे पांव पे भी आएगी। और ये जो है सिर्फ नीचे ही डायरेक्शन है, मतलब सिर्फ नीचे ही हवा जाएगी। ओके, पांव की तरफ ही जाएगी। ये देखिए, इसमें क्या है कि इसमें लिखा, ये नीचे की तरफ है, फिर ये वाला मार्क है, ये वाला मार्क जो है ये सामने वाला विंडशील्ड का है, ये वाला इसके सामने में जो है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे पांव की तरफ हवा आएगी, फिर यहाँ विंडशील्ड के सामने में जो है ये वाला दिखे, यहाँ से भी वो हवा निकलेगी। तो वो हवा क्यों निकलती है कि वो जब भी आपका फॉग हो जाती है, मतलब सामने विंडशील्ड में मॉइस्चर की वजह से, तो उसको हटाने के लिए वो है। और फिर एक नीचे है, मतलब सिर्फ सामने में ही जो हवा निकलेगी। फिर ये देखिए, इसमें एक कार की मार्क है, ये दोनों कार की मार्क है। कार के अंदर में एक एरो मार्क बाहर से अंदर आ रही है, एक अंदर में ही वो घूम रहा है। तो ये दोनों का मतलब है कि ये जो नीचे जो लीवर है, ये अगर इस तरफ रखेंगे तो ये कार की जो अंदर की हवा है उसको अंदर में ही सर्कुलेट करता रहेगा। अगर इसको इस पर यहीं पर रखेंगे तो ये बाहर से फ्रेश हवा अंदर की तरफ लाएगी। ओके, तो उस हिसाब से ये है। तो इसमें देखिए, इसमें एक लिखा गया है यूज विद इस मोड पे ही यूज करने के लिए, मतलब कार कंपनी मारुति बोलती है कि यूज विद इस सिंबल में, मतलब इस सिंबल पे ही उसको यूज करना है ताकि बाहर की फ्रेश हवा अंदर आए। तो इसको यहीं पर रखने से क्या मेरे, और मैं पहले बता देता हूँ सारी चीज, फिर इसका फंक्शन बताऊंगा। फिर ये जो बटन है ये है एसी के लिए, इसका अगर एक बार नीचे दबाएंगे, देखिए लाइट आ गया, मतलब ये एसी ऑन हो गई। ये फैन तो पहले से ही ऑन था, सिर्फ हवा आ रही थी, अभी ठंडी हवा आने लगेगी। फिर ये जो बटन है ये है आपका डिफॉगर, मतलब अगर फॉगी कंडीशन में अगर सामने विंडशील्ड आपका मॉइस्चर हो जाती है, तो इसका अगर दबा देंगे, अन करेंगे, तो वो सामने हवा आएगी जो कि आपका विंडशील्ड को साफ और क्लियर रखेगी। ओके, तो ये अभी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, एसी को ऑन आने दीजिए। ये जो लीवर है उसका सही इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि जब आप एसी अन करेंगे तो फास्ट कुछ मिनटे, मतलब लगभग पांच मिनट या दो तीन मिनट में ही कम चल जाएगा, दो तीन मिनट तक इसको यहीं पर रखेंगे ताकि बाहर की फ्रेश हवा अंदर आ जाए, फिर आप उसको इस दिशा में कर देंगे, मतलब यहीं पर रख देंगे। तो क्या होगा कि आपका जो अंदर की ठंडी हवा होगी वो अंदर में ही सर्कुलेट होगी, तो एसी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी आपकी। तो उसमें क्या होगा कि फिर दो चार घंटे के बाद कुछ पांच मिनट के लिए इसको फिर इस दिशा में रख देंगे, तो फिर फ्रेश, थोड़ा फ्रेश हवा अंदर आ जाएगी। इस तरफ से उसको
काम करना है। बस सारे एसी का फंक्शन इसी में है, और मेरे ख्याल से मैं आपको सारे एसी का जितने भी फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही मैंने बनाया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका सारे जरूरतें इसमें एसी के रिलेटेड पूरी हो गए होंगे। तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो कार रिलेटेड आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।